गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड इट्स अनदर फ्रॉस्टी स्टार्ट टू द डे. तो मॉर्निंग जो फ्रॉस्ट अर्ली मॉर्निंग में जो करना होता है वो सब करने के बाद, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, जो है गर्म टी या कॉफ़ी पीने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है. गुड मॉर्निंग एवरी वन. आज देखो, वी वोक अप टू दिस सीन. रात को हल्की हल्की स्नो हुई है और वैसे आज बहुत जल्दी नहीं है, सुबह के 7:30 हो गए हैं, बट अभी थोड़ी थोड़ी स्नो है. गुड मॉर्निंग एवरी वन. आज है 16 दिसंबर और मॉर्निंग की 10:30 बज रहे हैं, 10:30 हो गया है और बाहर देखो स्नो और फ्रॉस्ट मिलके जो है ना अभी भी ऐसे ही है. आई थिंक ये लास्ट वीक वीकेंड में, मुझे याद नहीं, या बिगनिंग ऑफ द वीक आई थिंक स्नोफॉल हुआ था. एंड उसके बाद एज यू नो, पुराने वीडियो में मैं आपको देखा होगा पिछली वीडियो में कि टेम्परेचर इतने माइनस में जा रहे हैं और डे टेम्परेचर भी आपका 1-2 ऐसे ही रह रहा है. तो वो जो स्नो है ना वो मेल्ट ही नहीं हुई, उसके ऊपर जो फ्रॉस्ट और पड़ गया. दिखा दूँ मैं आपको पूरा बाहर से, ये देखो सारे गार्डन से पीछे जो है ना जो पुरानी स्नो थी वो मेल्ट हुई नहीं, उसके ऊपर फ्रॉस्ट और पड़ गई है. यहाँ पे भी देखो, नीचे रूफ में भी अब तक फ्रॉस्ट है. सन तो आ गया है लेकिन इतना कुछ खास गर्म है नहीं, तो बिकॉज ऑफ दैट ये फ्रॉस्ट और स्नो पिघल ही नहीं पा रही है. हेलो एवरीवन. And today is 19th December. शाम के 4 बज रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है और अभी आप जाके देखिए कि हमने अपने क्रिसमस ट्री कैसे डेकोरेट किया. तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन हमने जो है क्रिसमस ट्री को लगाने का सोचा. हर बार क्या होता है कि हम रियल क्रिसमस ट्री लेके आते हैं लेकिन वो बहुत ब्रॉड होता है, मतलब कि बहुत जगह ले लेता है, इतना फैला हुआ होता है. एंड उसके ना वो जो लीव्स होते हैं, जो पाइन नीडल्स हैं, वो गिरते रहते हैं, तो आप उनको बस क्लीन ही करते रहो. तो इसलिए इस बार हमें सोचा कि नहीं, अब हम जो है एक अच्छा सा आर्टिफिशियल वाला लेके आते हैं क्योंकि वो थोड़े नैरो भी होते हैं, ताकि हम उसको एक बार लगा दें, क्रिसमस ख़त्म हो गई, उसको पैक करके रख दें और फिर अगेन नेक्स्ट ईयर उसको खोल लें. सो फाइनली हम वही कर रहे हैं, हम उसको क्रिसमस ट्री को भी खोला है, अनपैक किया है और उसको बच्चे उसको डेकोरेट करेंगे. Yes, this is looking so much better. अभी सारा स्प्रेड आउट कर दिया, अभी ऊपर के बचते हैं थोड़े स्प्रेड आउट करने के लिए, है ना? पर ठीक है, I think that's enough. ऊपर का उतना काफी है. This is lovely. अच्छा वो चाइनीज क्लास का मिला होगा वो. लेट्स पुट ऑन सम डेकोरेशंस, देखें जरा. ब्यूटीफुल. एंड द पोलर बेयर एंड एंड आल्सो द आइफल टावर. रिहान, योर वुलन हैट. वुली हैट, यस. आइफल टावर इज अ साइन दैट France gonna win today. No. Nah. Yeah, England's gonna win today. Yeah, come on, England. Amira, Cinderella shoes kahan legenge? It's going to go here. This section here. Right at the bottom. Yes. Actually, no, not right at the bottom. Another one will go right at the bottom. There, it's already looking slightly better. What is? तो ये रही हमारी क्रिसमस डेकोरेशन. एंड आगे जाके मैंने कुछ वीडियो ना आपको आपके लिए रिकॉर्ड किए थे जस्ट टू शो कि लोग कैसे डेकोरेट करते हैं अपने घर को क्रिसमस टाइम में. सो वैसे तो चलती हुई कार से लिए थे तो बहुत क्विक दिखेगा आपको, बट आई होप यू एंजॉय इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.